बड़ो बहू। इससे पहले कि कोई और देखे तो बैग लेकर। ये बड़ो पर मन ने यो समझ में ना आया कि बड़ों को ट्रैक सूट लेके बकरेवाल जानकी की जरूरत पड़गी, जबकि वो ट्रेनिंग तो यहाँ करती सर। आए बड़ो बाबूजी, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप कल ही बकरियावाल चल के ना सारा काम करवा दो। तो जिब जमना यही है, बकरियावाल जाने की क्या जरूरत है? हमारे गांव में कुछ अच्छा होने जा रहा है। इब के अच्छा होने वाला है? कल सांझा चूल्हा से जो सांझा चूल्हा है ना, इसमें 5 गांव के लोग और सब मिलजुल के खाना बनावेंगे। अरे हाँ बड़ो, यो जो है ना सारी तैयारी तो मैं कर लूँ। सारी तैयारी थारे को पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख भेदने के वक्त लगाई थी। क्या हुआ लकी जी, आपने भूत देख लिया क्या? आप छुप करके ये नियम भी तोड़ दिए जो शब्द की सजा से आपको बचने ना दे सकते। आपने और लखाने दोनों ने सजा मिलेगी। बार को भी अपने साथ ले चलो, आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। हमें नहीं रहना यहाँ पर बाबूजी, हम आपके साथ चलेंगे बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमने यहाँ नहीं रहना। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि तुम दोनों कुश्ती छोड़ दो, पर कुश्ती छोड़नी ना सिर्फ। इस साल में जितना भी बुरा हमारे संग होना था वो हो चुका है लक्की जी, अब आगे से सिर्फ अच्छा होगा। और यो मेरा वादा से, अगर तू मेरी मन है बंद करवा दे बड़ों की कुश्ती। क्यों अम्मा जी, आज से थारी चोरी छुपे की कुश्ती। आप मार को छोड़ के कैसे जा सकते हो? मार को भी अपने साथ ले चलो, आपके बिना मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। लखन तू चुपचाप क्यों खड़ा है? बोलता क्यों ना अपने बाबूजी से? बाबूजी माँ बिल्कुल सही बोल रही है, हम आपके बिना यहाँ क्या करेंगे? हमें नहीं रहना यहाँ पर बाबूजी, हम आपके साथ चलेंगे बाबूजी। हाँ बाबूजी, हमने यहाँ नहीं रहना। तुम दोनों ये बात समझते क्यों नहीं? दोषी मैं हूँ तो सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। और जितनी तकलीफ तुम दोनों को हो रही है या तुझे हो रही है, उससे कहीं ज्यादा मुझे हो रही। मेरे को आपकी कोई बात ना सुननी, कोई बात ना समझ। तुम्हारी बात नहीं सुननी है, तू मेरी बात सुन मलती। लखन बेटा देख, मेरे चले जाने के बाद कोमल बेटी की जिम्मेदारी तारी से हर कीमत पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच तुझे उसे जिताना होगा। देख मेरी तरफ बोल, जिताएगा ना? मुझे आपकी जरूरत है बाबूजी। अब आदित्य, तेरे को कदम कदम पे इनका साहस बढ़ाना होगा, समझेगी नहीं? इन्हें याद दिलाना होगा कि इन्हें मैच जीतना है। आपके बिना यूं सब कुछ ना हो सकता है, आप समझ क्यों ना रहे हो? सब होगा, हिम्मत रख, हिम्मत रख। मन्ने आगाह किया था तन्ने कोमल, जो कुश्ती के चक्कर ने हमारा घर संसार तबाह कर दिया था। इब कहीं थारा भी माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, दवाई खा लीजिए ना। छोरी मन्ने ना खानी दवाई, दवाइयाँ खा खा के ना हमारा जी भर गया से। मैं जाने हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हो। चाचा जी के जाने का आपको भी घना दुख है ना। यो सब की जड़ से कोमल की कुश्ती। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? यो जो भी सब इस घर में हो रहा है उसमें बड़ो भाभी और उनकी कुश्ती, यो सब का कोई लेने देना ना है। आप भूल गए हो कि यो ही कुश्ती की वजह से इस घर में कितनी खुशियां आई हैं, और आप ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा। माँ जी आप बस बड़ो भाभी के हर फैसले में उनका साथ दो। कमला माँ जी बखरियावाल के सरपंच को हमारे घर में लेकर आ गई, और संग्राम सिंह ने उनको बाबूजी की पाबंदी के बारे में सब कुछ बता दिया। इससे बात बहुत आगे बढ़ गई। रघुवीर बाबूजी अपने असूलों के पक्के ठहरे, चुपचाप सजा मान ली और घर छोड़कर चले गए। ताऊ जी आप ही सोचिए, इतनी बड़ी सजा मिली, वो भी उस काम के लिए जो उनके मन के इतने करीब से। कुश्ती की ट्रेनिंग, जिस चीज से इतना प्यार करते हैं उसी को आगे बढ़ाने के लिए। ताऊ जी तो यो ऊपर वाला ही जाने के रघुवीर बाबूजी गांव में और घर में कभी लौट के आएंगे बेकी ना। इतनी बड़ी बात हो गई है, इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे फोन करके बताने की जरूरत भी ना समझी। मैं बोल के गया था कमला से कि कमला तू जो भी फैसला ले सोच समझ के लेना और सही लेना, और उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया, मेरे भाई के साथ कठोर फैसला लिया और मारे को पूछा तक नहीं, मारे को बताया तक नहीं, हमारी राय नहीं ली उसने। कमला! ना 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 माँ जी, ऐसा ना करो, आपको मारी कसम, ऐसा ना करो माँ जी, अब नीचे उतर जाओ, हम लोगों के साथ ना रहना है के मर जानते। काजी! अरे माँ, माँ क्या करी है? उतारी से। नहीं। अरे माँ हटाओ इसे। खबरदार, जो मने आज किसी ने भी हाथ लगाया यार रोक क्या, मने मर जान दे। यो दुनिया यो मैं भी लिखता ये काम की नहीं है मेरे, मने नहीं रहना इस दुनिया में। देखो ना राणा जी, मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, सुनी ना रही है, मारे को धक्का देके ऊपर चढ़ गई। एक मतलब बावली होगी के ये क्या बाल मचा रखते हैं? ना ना कौन है राणा के बापू, मने मर जान दो, इस जीवन में मैं थारा साथ कौन दे सकती। राणा के बापू मैं सरपंचनी हो के भी हालात क्या तू इतनी मजबूर होगी, मेरे सामने मेरे देवर जी को गाम से लिकाड़ा जा रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरा जीना ही बेकार है, मेरे लिए तो मर जाना ही ठीक से। राणा के बापू एक काम और कर देना, मेरी आखिरी इच्छा से मेरे मरते इस पिंकी ने जहर दे के मार दियो, क्या केक रहेगी मेरे बिना, क्योंकि देवर जी की सजा के पीछे हम दोनों का हाथ है। अब तेरे को मेरे संग चलना होगा, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। मैंने रघु को मनाने की घनी कोशिश करी पर वो अपने निर्णय से टस से मस ना हुआ। भले बापूजी आज मेरे संग ना है, मैं जानती हूँ कि उनके आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, करीब तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का मुकाबला जरूर जीत के आऊंगी। और आज मैं वादा करूँ कि हमारे परिवार के साथ जितना भी बुरा हुआ है ना, मैं बहुत जल्दी सब ठीक कर दूंगी और जो भी मेरे रास्ते में आया उन सबको भी मैं तोड़ के रख दूंगी। नहीं जाएंगी सृष्टि जी यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगी सृष्टि जी यहाँ से, बहुत प्यार करते हैं हम सृष्टि जी से। देवर जी को मानना पड़ेगा, सबके सामने खुल्लम खुल्ला कह दे कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब तुम क्या करोगे? तो हम क्या करें? वो पता है तुम्हें देवर जी को ना गाजर का हलवा बहुत पसंद है। हलवा तुम बनाई हो जी? किसके लिए? यीशु जी के लिए। हलवा चखो, कह रही हलवा चखो। मेरे नाना बनने के पीछे मेरी बेटी अंगूरी का और मनमोहन तिवारी का हाथ है। भाभी जी का हाथ है, दैट्स कंफर्म। लेकिन आपके दामाद का हाथ नहीं, एक्चुअली एक तीसरा हाथ है। तीसरा आदमी कौन है? लौंडे, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तीसरा कौन? वो मैं हूँ। अपने आराध्य की सहायता करने हेतु युगों से प्रतीक्षा कर रहे बजरंगबली आते हैं राहु को दंडित करने। तुम्हारी मृत्यु व्योम पर्वत पर होगी नंद, नरभक्षी मित्र व्योमासुर के हाथों।